तरवार उपदेश पेश करते ने। जे ना नानक पैण दे भीर आउंदे फिर कोई भी धर्म नू जानदा ना सारे कूड़ जहान ते फैल जांदा कोई बर्म दी रमज पहचानदा ना दुर्मत सारे संसार ते फैल जांदी परमानंद नू कोई भी मानदा ना जे आउंदे ना नानक दरबार सिंगा गुरु इष्ट नू कोई सन्मानदा ना कोट कोट प्रणाम करा कोट कोट प्रणाम करा पीरापुर वासी नू काव कला बर चौंदा कर दे दूर दासी नो काव कला बर चौंदा कर दे दूर दासी नो होर सोने भी केड़ा होर सोने भी केड़ा सोडे बाज नमाने दी सतगुर कुंडला बालिया रखे लाज नमाने दी सतगुर कुंडला बालिया रखे लाज नमाने दी कोट कोट प्रणाम करा कोट कोट प्रणाम करा पीरापुर वासी नू काव कला बर चौंदा कर दे दूर दासी नो काव कला बर चौंदा कर दे दूर दासी नो होर सुने भी केड़ा होर सुने भी केड़ा सोडे बाज नमाने दी सतगुरु कुंडला बालिया रखी लाज नमाने दी सतगुरु कुंडला बालिया रखी लाज नमाने दी मंजिल तय कर जावे मंजिल तय कर जावे अनुभव मार्ग मेरा जी चौकूटा बिच रोशन हो जे सेवक तेरा जी चौकूटा बिच रोशन हो दे सेवक तेरा जी सुरती फोटो खिचे सुरती फोटो खिचे दूर दराज नमाने दी सतगुर कुंडला बालिया रखी लाज नमाने दी सतगुर कुंडला बालिया रखी लाज नमाने दी राम रहीम कुरान पुरान बेसारे सारे मैं गल पल्लू पखड़ा पखारी तेरे द्वारे मैं गल पल्लू पखड़ा पखारी तेरे द्वारे मैं तेरा चरना ती कर तेरा चरना ती कर आखर भाजन माने दी सतगुर कुंडला बालिया रखी लाजन माने दी सतगुर कुंडला बालिया रखी लाजन माने दी बिना ढोल की बाजा सैने सुर विच बोला मैं कृपा हो जे तेरी राग लाही तोला मैं कृपा हो जे तेरी राग लाही तोला मैं तरजे उतरे पूरी तरजे उतरे पूरी जीवन साजन माने दी सतगुर कुंडला बालिया रखी लाजन माने दी सतगुर कुंडला बालिया रखी लाजन माने दी गल तस्बी हथ लोटा गल तस्बी हथ लोटा बिच मसीता बढ़ते ने अल्लाह नू खुश करना पंज नबाजा पढ़ते ने अल्लाह नू खुश करना पंज नबाजा पढ़ते ने चौबी घंटे तेरे
चौबी घंटे तेरे द्वार नमाज नमाण दी। सतगुर कुंडला बालिया रखी लाज नमाण दी, सतगुर कुंडला बालिया रखी लाज नमाण दी। ज्यों सागर दे मोती, ज्यों सागर दे मोती हंसा दे मन पाउंदे ने, पौरे बेक बहार बाग दी दौड़े आउंदे ने, पौरे बेक बहार बाग दी दौड़े आउंदे ने। काब करे मन जोर, काब करे मन जोर जकोला समाज नमाण दी। सतगुर कुंडला बालिया रखी लाज नमाण दी, सतगुर कुंडला बालिया रखी लाज नमाण दी। मूड़ मत तंदुगे ने, मूड़ मत तंदुगे ने, तंद अज पाए ने मैनू, पल पल सिन सिन दम दम दे नाल याद करा तैनों, पल पल सिन सिन दम दम दे नाल याद करा तैनों। ज्यों सागर बिच टेर, ज्यों सागर बिच टेर सुनी गजराज नमाण दी। सतगुर कुंडला बालिया रखी लाज नमाण दी, सतगुर कुंडला बालिया रखी लाज नमाण दी। जो कुछ भी मैं बोला, जो कुछ भी मैं बोला संगतां दे मन पावे जी, जोरा सिंह स्वामी नो जागर अर्ज सुनावे जी, जोरा सिंह स्वामी नो जागर अर्ज सुनावे जी। मिसरी बरगी मिठी, मिसरी बरगी मिठी करो आवाज नमाण दी। सतगुर कुंडला बालिया रखी लाज नमाण दी, सतगुर कुंडला बालिया रखी लाज नमाण दी। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु संगे जीओ, तन तन साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, तन तन मेरे पीरे दे मालक साहेब श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह, तन तन साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, दसां पातशाहां दी आत्मक जोत शब्द गुरु तख्त चबर छत्र दे मालक, दीन दुनी दे बाली तख्त विराजमान है, आओ सारियां गुरसंगतां इन्हां नूं सीस चुका के धन धन साहिब स्वामी मित सिंह जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी, धन धन स्वामी दरबारा सिंह जी महाराज, धन धन स्वामी जोरा सिंह जी महाराज, उन्हां दी तोरी होई पूर्ण गुरमर्यादा नूं अगर भाव रखदियां उन्हां दे पवित्र प्रवचनां ते पुष्प चाढ़ रहे समें दी सरकार, धन धन स्वामी जगजीत सिंह जी गद्दी नशीन पातशाह, सतगुरां दे सरमुख आ के दरबार धार्मिक नूरी दीवान दा आनंद माणो जी, और दसां पंजां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उन्हां नूं शीश झुका के जथे दी हाजरी प्रवान करदे होए गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरसंगत जीओ, स्वामी दरबारा सिंह जी महाराज उन्होंने सतगुरां दे दसां पातशाहियां दे और उन्हां दे सिखां दे और जिन्ने भी शहीद है उन्हां दे इतिहास लिख के आपां नूं दित्ते जिहदा आपां आनंद माणदे हां। आओ आपां धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दे जस दे नाल जुड़िए कि सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब बराज दे सी, उन्हां ने उत्थे पंज किले तैयार किए, सब तो वड्डा किला आनंदगढ़ साहब और किला लोहगढ़
और किला फतेहगढ़ साहब और किला होलगढ़ साहब, किला तारागढ़ साहब, पांच किले उन्होंने स्थापन किए। और सतगुरु जी किला आनंदगढ़ साहब च विराज रहे से। स्वामी दरबारा सिंह जी महाराज लिखते इत्थे भी वह किला किहो जिहा सी। स्वामी जी महाराज लिखते है, काफ किला सी किते स्वर्ग जैसा, दस मनूर सिरहा बराज जिथे, बड़िया शाना सी नूरी दरबार दिया, नित सजदे सी महाराज जिथे, नित बर्म महफला सजदियां सी, सुनदा दुख सी गरीब निवाज जिथे, ओ तन सी ताम दरबार सिंगा, रहिंदा सोहणियां दा सरताज जिथे। स्वामी दरबारा सिंह जी महाराज लिखते हैं, कहिंदे ओ किला स्वर्ग वर्गा किला सी, जिथे सोहणियां दा सरताज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बाजां ताजां वाले सतगुरु बराजदे सी। उस दरबार दियां नूरी शाना सी जिथे महाराज जी सजदे सी नित, ते बारह महफलां लाउंदे सी, बारह महफलां ला के और दुखियां गरीबां दे दुख सुणदे सी। और वह धन धाम सी जिथे सोहणियां दा सरताज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बराजदा सी। फिर एक दिन ऐसा आया भी उहदे विच जिहड़ियां जंगी फौजा सी वह किले के सारिया महाराज के नाल सी, बाई धार दे राजिया ने उस किले नू घेरा पाया, और घेरा पा के उन्होंने चार सपेरे तो रस्त पानी बंद कर दिता। और जदों रस्त पानी बंद कर दिता, महाराज जी ने पानी वास्ते तो बौली साहब तैयार कर लिया अंदर ही किले दे, वो आप जाने तो दर्शन करते हैं हर वेले। और उत्थे भोजन वास्ते जिहड़े सी चने, एक एक लप चणिया दी दे के सारिया नू पानी पियाया जांदा, ते उत्थों दुखी होए वे जिहड़े 40 सिंह सी, महाराज नू ओह बदावा लिख के दे गए। और पहला उन्होंने बेनती भी की भी बाई धार दे राजे जिहड़े हिंदू राजे सी ओह तां आटे दियां गऊआं बना के ओहदी कसम खांदे सी, जिहड़े मुसलमान राजे सी ओह कुरान दियां कसमां खा के महाराज नू कहिंदे सी भी जे तुसीं इह आनंदपुर साहिब दा किला छड्ड दिओ, साडे नाल कोई बैर विरोध नहीं साडा, फिर अज तों बाद तुसीं भी ऐश करो ते असीं भी ऐश करिए, साडा कोई विरोध नहीं साडे नाल। महाराज जी उन्हां दियां चालां जाणदे सी, सिखां दी बेनती भी महाराज ने मंजूर तां कर ली। महाराज कहिंदे सिखो तुसीं इन्हां दियां चालां जाणदे नहीं, इन्हां दियां बेईमानियां नहीं तुसीं जाणदे, ये उत्तों उत्तों कसमां खांदे है, इन्हां दे अंदर कुछ नहीं, तुसीं ऐ भोले, तुसीं 8 दिन ठहरो। फिर वो जिहड़े बिदावे सी उन्हें तो फिर बिदावा लिख के तो वह तो चले गए। महाराज जी कहिंदे जिन्हें जाना है वह सामने कागज पिया है, मोहरां ला जाओ भी तुस असी साडे सिख नहीं, तुसी साडे गुरु नहीं, ये लिख के दे जो। वो 40 सिंह का बिदावा लिख के चले गए। जिहड़े बाकी रहिंदे सिंह सी महाराज जी कहिंदे तुसीं भी चले जाओ, तुसीं क्यों बैठे हैं। उन्होंने बेनती की भी महाराज भावें सानू किन्ना दुख सुख भुख दिओ, साडे नाल रहांगे, जिथे तुसीं रहोगे उत्थे ही रहांगे सच्चे पातशाह। फिर महाराज जी ने उन्हां सिखां दियां बेनतियां सुनिया, वह सिखां ने फिर जदों ना महाराज जी मने तां माता जी नूं बेनती की, माता गुजरी जी ने कहा बई भाग पुत्तर जदों वह कसमां खांदे है आपां नूं किला छड्ड देना चाहीदा है ते अपना बैर विरोध खत्म हुंदा है। महाराज जी कहिंदे माता जी साडा हुक्म सिर मत्थे, पर ये बेईमान है,
इन्हां ते सानू विश्वास नहीं है। चलो महाराज जी सारिया दीआं बेनतियां सुन के उन्हां ने तहिया कर लिया किला छड्डण दा। महाराज जी ने फिर वह जो किला छड्डण लगे आनंदपुर साहब की धरती ने कन्या का रूप धारिया। कन्या का रूप धारण करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में बेनती करन लगे आनंदपुरी भी सच्चे पातशाह इत्थे तुसी बरम महफलां लाउंदे सी, गुरसंगतां थोड़े दर्शन दारे करदियां सी और थोड़े दर्शनों तो शांति आउंदी सी। सच्चे पातशाह तुसी हुण फकीरां वांगू तुरे जा रहे हैं, किधर चले हो? वह आनंदपुर साहब की धरती तो पुछदी है महाराज नूं बेनती करके। सतगुरु जी उहदा उत्तर दिंदे है, उत्तर ते प्रश्न सुनो इउं हो रहे। आनंदपुरी ते गई सी वरता पावी, जिने हस के बार तकदीर चले, छड परे अजलास दसमेस तुरिया, जिमें अबदा छोडर गबीर चले, मेरे चरना राम बजोगी आनो, ऐसे मार जोदाई दे तीर चले, होगी कुदरत दलगीर दरबार सिंगा, नैना बिचो बैराग दे नीर चले। दाता आप किधर तुर चले, जाने नहीं बिछोड़े चले, साडे होर नहीं कुछ पल्ले, कूक पुकार तों बिना किवें सरूगा सानू बाली पंथ दया, तेरे जीतदार तों बिना। अंजो क्यों अखियां चों डारे, ना बस पुरिए बात हमारे, इन्ना चरसी नाल तुम्हारे प्रेम संबंध पूरी है, अंत समें दे मेले सी फिर आउणा ने, सुखन बस नंद पूरी है। दाता आप किधर तुर चले, जाने नहीं बिछोड़े चले, साडे होर नहीं कुछ पल्ले, कूक पकार तों बिना किवें सरूगा सानू बाली पंथ दया, तेरे जीतदार तों बिना। जो क्यों अखियां चों डारे, ना बस पुरिए बात हमारे, इन्ना चरसी नाल तुम्हारे प्रेम संबंध पूरी है, अंत समें दे मेल असी फिर आउणा ने, सुखन बस नंद पूरी है। तुरप वांग फकीरां एक बरत गियां तकदीरां, नूरी हुसन दियां तस्वीरां जान सत्कार तों बिना, किवें सरूगा सानू बाली पंथ दया, तेरे जीतदार तों बिना। ऐ कोट सबर सुकर दे पीते, हुक्म अकाल पुरख दे बीते, डेरे को जसीता कीते पैगे पंद पूरी है, अंत समें दे मेल असी फिर आउणा ने, सुखन बस नंद पूरी है। जुद्या राम बिना नी सुंदी, मरजू हंजुआ दे हर पुरूंदी, दुनिया रही बराग चरोंदी, राम अवतार तों बिना किवें सरूगा सानू बाली पंथ दया, तेरे जी दीदार तों बिना। तू भी दुख दुखिया ना जर लै, पाणा मन के तीरज धर लै, बस तू नीर नैना चों कर लै, हुण तू बंद पूरी है, अंत समें दे मेल असी फिर आउणा ने, सुखन बस नंद पूरी है। संगतां जान बराग च रोई,
दिसदा नहीं सहारा कोई। गोकल जिमें बाबरी होई कृष्ण मरार तो बिना किमें सरुआ सानू बाली पंथ दिया तेरे जी दीदार तो बिना। तेरे नाल परन सी मेरा तैनों बख्स चले सेरा करता बिच तीरथां तेरा नाम बुलंद पूरी अंत समें दे मेल असी फिर आउणा ने सुखा न बस नंद पूरी के रौनक ते खुशहाली दिल दरबार कर गया खाली केड़े कम रह गया माली बाग बहार तो बिना किमें सरूगा सानू बाली पंथ दिया तेरे जी दीदार तो बिना। अरे के नंदपुर निसी सरना सदके देश दुखी भी जरना दुखिया दीना दा है करना मैं प्रबंध पूरी अंत समें दे मेल सी फिर आउना ने सुखा ना बस नंद पूरी उने दूर दुखा दे गमना सोडी याद रहो दम दमना जीवन रहन किसे भी कमना प्रेम प्यार तो बिना किमें सरूगा सानू बाली पंथ दिया तेरे जी दीदार तो बिना। तुरप अंत सतगुरु कह के आया करू संगत नू लैके मंगरो गिंदर रचूगा बह के तेरे संद पूरी अंत समें दे मेल सी फिर आउणा नी सुखा ना बस नंद पूरी। सारी गुरसंगत बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। इस तरह आनंदपुर साहब की धरती साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों में बेनती कर लगी भी सच्चे पातशाह तुसी ये इजलास छड़ के अचानक क्यों तुर चले हो सच्चे पातशाह थोड़े विछोड़े गुरसंगतां किवें चलणगियां असी तो सिर्फ कूक पकार ही कर सकते होर साडे पल्ले की है सच्चे पातशाह तेरे दर्शन ददारियां तो बिना सानू किवें सरूगा। तुसी उठ के इस तरह फकीरां वांगू क्यों चले हो तुसी सत्कार दे नाल जाना सी इत्थों गुरसंगतां ने इकट्ठे हो के थोड़े उपर फुल्लां दी बरखा करनी सी केसर क्यौड़े सिड़कने सी पर तुसी इस तरह फकीरां वांगू उठ के तुर चले सत्कार तो बिना जा रहे हैं महाराज इउं तुसी फकीरां वांगू उठ के तुर पे ये की तकदीरां बरता चले हो ये नूरी हुसन दियां तस्वीरां जिन्हां दे सत्कार होने सी ये सत्कार तो बिना किमें जा रही हैं सच्चे पातशाह तेरे दर्शन ददारियां तो बिना किमें सरूगा। महाराज जी कहते आनंदपुर गए ये अकाल पुरख का हुक्म है ये सानू हुक्म बजाउणा पैणा है और अपने अज अंत समय दे मेल है इदों मुड़ के नहीं मिलना तू सुखा ना वसदी रह। तो फिर आनंदपुर साहब की धरती ने कहा कन्या दे रूप च कहिंदी सच्चे पातशाह तुसी त्रेते युग में राम भगवान अवतार आए वो बड़िया खुशियां सीगियां अयोध्यापुरी वासियां नू भी राम भगवान नू राज तिलक होगा बड़े रंग राग हो रहे सी सच्चे पातशाह तुसी ऐसा पाणा बरताया 14 साल का बनोवास ले लिया तो अयोध्यापुरी रोंदी छड गई सच्चे पातशाह आ कलयुग दे विच आ के भी सानू ऐ छड चले हो सच्चे पातशाह ये दुख नहीं चलिया जाना थोड़े दर्शन ददारियां तो बिना किवें सरूगा सानू। आ देखो सारियां गुरसंगतां बराग दे विच रो रही क्योंकि
क्योंकि सोडे बिना सानू कोई सहारा नहीं होर दिस रहा। जिमें तुसी द्वापर युग दे विच कृष्ण अवतार लिया, गोकुल वासियां नाल इन्ना प्रेम प्यार किया, बचपन विच खेडे उन्हां नाल गऊआं चारियां और बणा दे विच जा के बंसरी दे राग सुनाए, इन्ना प्यार दे के उन्हां नूं तुसी ऐ गोकुल दे विच सुनना छड्ड गए, जिहड़ी उन्हां दी हालत होई सी। अज आनंदपुर वासियां दी भी आही हालत है। सच्चे पातशाह तुहाडे दर्शन दीदारियां तों बिना किवें सरूगा? महाराज जी कहिंदे कहिंदे भूमि हे आनंदपुर गे, जदों सी अकाल पुरख तों इस धरती ते अवतार आए सी उदों सी दुष्टनमन दे रूप दे विच सी, उदों सी अकाल पुरख नाल वादे करके आए है। उन्होंने सानूं पुछिया सी भी जिहड़े पहलां वाले पैगंबर अवतार गए है उन्हां नालों वखरा कम किहड़ा करेंगा। असी फिर महाराज नूं बेनती कीती अकाल पुरख नूं भी उन्हां नालों वखरा कम, पहला कम तां इह भी तीजा पंथ खालसा साजू जाके मैं, दूजा वखरा कम इह पिता पुत्र सारा परिवार मैं इस धर्म देश तों बार दूँ, आप मैं सबर शुकर ना साऊ सारूँ। वो वादे करके आया सी मैं अकाल पुरख के नाल, वो मैनू नभाने पैने है। आनंदपुर गए तू सुखा नाल बस, असी दुखियां गरीबां दे दुख सुनने हैं। फिर आनंदपुरी कहिंदी महाराज लुट के रौन किते खुशहाली, दिल दरबार कर गया खाली, किहड़े कम रह गया माली बाग बहार तो बिना। सच्चे पातशाह साढ़े दिलां दी रौनक ते खुशहाली तां तुसी लुट के लै चले हो, जे भला माली बाग चों तुर चलिया जावे वो फुल सुक जाणगे कमला जाणगे। सच्चे पातशाह फिर बाग किहड़े कम रह जूगा, जदों तुसी चले गए साडा विछोड़ा पै गया, असी तां बरझा जाँगे। सच्चे पातशाह साढ़े तां दुखां दे गम दूर नहीं होने, थोड़ी याद हर दम दम दे नाल रहूगी। आ प्रेम प्यार तुसी साढ़े नाल पाया, फिर जदों प्रेम प्यार पा के बिछड़ गए ये फिर जीवन किहड़े कम है? सच्चे पातशाह असीं तां जिउंदे वर्गे क्यों छड्ड के चले हैं? किवें सानूं सरूगा तुहाडे दर्शन दीदारियां तों बिना? इस तरह की बेनती आनंदपुरी ने जदों की, महाराज जी कहिंदे कहिंदे आनंदपुर गए जा तैनू एड्डा वड्डा सेहरा बख्श चले हैं, साल पिछों इत्थे मेला लग्या करूँ, दुनिया आके शीश झुकाया करूँ, असी भी उन्हां संगतां दे विच साल पिछों आया करेंगे, संगत नूं लैके आया करेंगे, जा सारे तीर्थां दे विच तेरा नाम बुलंद होगा, दुनिया के तीर्थां तों सब तों वड्डा तीर्थ आनंदपुर साहब होगा, तो लोग आके सिजदे करया करनगे। इस तरह सतगुरु जी कह के फिर उतों चाले पा गए। फिर महाराज ने वो किला छड्डिया, किला छड्ड के जदों महाराज जी सरसा नदी ते पहुँचे, पोह दी रात और धुंद पै रही सी, निकी निकी कणी का मीह भी पै रहा सी। महाराज जी उतों किला छड्ड के जदों तुरे ते जिहड़े बाई धार दे राजे बेईमान सी, वह जिहड़े झूठे दावे करदे सी भी तुसी किला छड्ड जाओ अपना बैर विरोध खत्म, उन्होंने पिछों लखां फौजां लेके चढ़ाई करती, तो उत्थे घमसान का जंग होया सरसा नदी ते, और बहुत सारे सिंह भी शहीद होए, पर सतगुरां दी जिहड़ी फौज सी उन्हें लखां नूं किसी लखां तां कतल करते, लखां ही पिछे मोड़ते, और महाराज जी ने उत्थे कीर्तन भी किया, नितनेम भी किया, और जदों सरसा नदी पार करन लगे तो महाराज जी दे जिहड़ा परिवार सी उह तिन्न हिस्सों विच वंडिया गया, क्योंकि सरसा नदी का बहा तेज हो गया और कोस्तां सिंह जिहड़े सी उह विच रुड़ गए, वड्डे साहिबजादे ते सतगुरु दे नाल 40 सिंह वो किला वो निहंग कोटला निहंग खां उहदे विच दी हुंदा है पट्ठा साहब और चमकौर दी गढ़ी विच जा पहुँचे। छोटे साहबजादों के नाल माता गुजरी जी सी, उन्होंने एक रात तक कम्बू मासकी की झुग्गी गुजारी,
फिर उन्होंने गंगू रसोईया अपने घर ले गया। माता सुंदरी जी ते माता साहब देवा जी वो भाई मनी सिंह वर्गिया ना दिल्ली वालों रवाना हो गए भी जो सतगुरु जी का पैगाम मिलेगा कि फिर मिल लेंगे। उत्थे फिर एड्डी भैड़ी भयानक हालत होई सतगुरों के परिवार की। स्वामी दरबारा सिंह जी महाराज कहिंदे असीं फिर वो होनी नूं इउं कहा भी हे तकदीरे तू किहड़े कारनामे कीते है, तू अवतारां नूं भी बख्शिया, दसम गुरां दे सिदक सबर दा इम्तिहान लिया, सरसा ते सारा परिवार तू अड्डो उड्डी नखेड़ता, एक स्वामी जी महाराज तकदीर नूं इउं कह रहे। आनंदपुर विच दसमेस ते बरती हो बनहार, होनहार ही बन गई अंत कंठ दाहार। सतगुर मन के मिठा पाना पुरख काल दा, छड गए पवन आनंदपुर दे, होनहार पर बल ना कोई वेख्या टालदा, ना बरती सतगुर दे दल दुश्मन दा चाड़, गुरां ते कई करोड़ दिता, पैगी सख्त जंजीरे ने सरसा ते, तू सतगुरु दा परिवार बिछोड़ दिता, कीता की तकदीरे ने सतगुर मन के मिठा पाना पुरख काल दा, छड गए पवन आनंदपुर दे, हुण हार पावी नू ना कोई वेख्या टालदा, नाल बरती सतगुर दे दल दुश्मन दा चाड़, गुरां ते कई करोड़ दिता, पैगी सख्त जंजीरे ने सरसा ते, तू सतगुरु दा परिवार बिछोड़ दिता, कीता की तकदीरे ने सिदक परोसे वाले गुरमुख सी नित निमी, जो बचना दे अधिकारी सी गुरु चरना दे पौरे, सिदकी अते प्रेमी जो सेवक पर उपकारी सी, हथी लेख बदावा सनमुख सतगुर छोड़ दिता, करगी सिंह बतीरे ने सरसा ते, तू सतगुरु दा परिवार बिछोड़ दिता, कीता की तकदीरे ने कतन करी ना जावे हालत समे भयानक दी, चखड़ जुल्मां दे चुल गए प्रेम बाग दा गुलशन सी, फुलवाड़ी नानक दी बिच पहाड़ा दे रुल गए, हार कंठ दा सजया दसम गुरु दा तोड़ दिता, रोले मोती हीरे ने सरसा ते, तू सतगुरु दा परिवार बिछोड़ दिता, कीता की तकदीरे ने उप जमाना कर दी, तू कुदरत दे कादर दा करें सुतंत्र वारानो, दिल्ली सीस लगाता सतगुरु तेग बहादुर दा, देखी ना अवतारा नो मती दास संग दयालू ते पा कष्ट बेहोड़ दिता, करके आरा चीरे ने सरसा ते, तू सतगुरु दा परिवार बिछोड़ दिता, कीता की तकदीरे ने तारक के रूप वर्त गी उत्ते राम दे, देखे ना अबनासी तू राज तिलक सी, मिलना देवते मंगल गाम दे तोरे कर बन वासी तू, दशरथ राम बजोगी मंदरा उत्तों रोड़ दिता, तू अनमेट लकीरे ने सरसा ते, तू सतगुरु दा परिवार बिछोड़ दिता, कीता की तकदीरे ने दर्शनी आए उसना दे सुल्ताना नू, हटो हट बिका दिता
मिट्टी बिच मला दे में तू सोनिया साना नू पठ चोकन तेरा दिता सेले मान पगंबर जूसब नबी चंजोड़ दिता कीते सख्त वतीरे ने सरसा ते तू सतगुरु दा परबार बिछोड़ दिता कीता की तकदीरे ने दसवें गुरु दे सिदक सबर दा इम्तिहान लिया कीते दर्दी चेड़े ने तेरा बार पाविए हसके कर प्रवान लिया अड्डो अड्डन खेड़े ने पीर पगंबरा ने दरबार संघाना मोड़ दिता तैनों गहर गंभीर ने सरसा ते तू सतगुरु दा परिवार बिछोड़ दिता कीता की तकदीर ने सारी गुरसंगत बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु सतगुरु स्वामी दरबारा सिंह जी महाराज ने होनी तकदीर नू इस तरह झंझोड़ा दिता भी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल पुरख का भाणा मन के वह तो आनंदपुर साहब छड़ के तुर गए पर तकदीरें होनी है तू की कीता तैनू उन्होंने टालिया नहीं अकाल पुरख का भाणा मन के उन्होंने जरिया जिन्हें भी सिदक भरोसे वाले प्रेमी सिख उन्होंने नाल सी तू उन्होंने वरती उन्होंने बदावा दे के बदावा लिख के दे गए और किला छड़ के बेदावे बन के निकल गए हे तकदीरे वो जिन्हें भी सतगुरों के बचना के अधिकारी से उन्होंने बचन मोड़ के बेदावे हो के निकले उतों हे तकदीरे वो समा भयानक ऐसा सी जिथे तू वरती वो मेथों हालत कथन नहीं करी जाती जुल्मां दे झखड़ झुल गए उत्थे गुरु नानक पातशाह दी गुरसिखी दी ये फुलवाड़ी लाई सी और वो तू पहाड़ां च रोल दित्ती हे होणगे तकदीरे तू जमा भी खौफ नहीं करदी कुदरत दे कादर तो भी नहीं डरदी स्वतंत्र होकर बार करदी है सतगुरु तेग बहादुर महाराज पैगंबर जिन्हां दा सीस तू दिल्ली विच लवाता उन्हां ते ऐसी वरती ते त्रेते युग दे अवतार ते तू ककेई दा रूप धार के 14 साल दा बनुवास दुआया जिथे रंग राग हुंदे सी भी राम भगवान नू राग तिलक होना है उत्थे तू 14 साल दा बनुवास दुआता हे तकदीरे होणगे तू अविनाशी भी नहीं वेखदी और कई दर्शनी इत्थे हुसना दे सुल्तान आए यूसुफ वर्गे जिन्हां ते सारी दुनिया जिन्ना हुसन सी और उहदा मुल पवाया एक अट्टी सके वीरां ने खूह च वढ के छिड़ता और सुलेमान वर्गियां तों ऐ पठ झुकाए वह पठ झुकदे रहे दसवें गुरु दे सिदक सबर दा तू इम्तिहान लिया होणगे और उन्हां दे जिहड़े कंठ दा हार सी वो अड्डो अड्डी खिलारता बणका बणका खिलारता हे इस तरह तकदीर नूं महाराज ने स्वामी दरबारा सिंह जी महाराज ने ऐ झंझोड़ा दिता ताना मार के हुण माता सुंदरी जी ते माता साहिब कौर जी भाई मनी सिंह वर्गियां दे नाल ओ सरसा नदी तो दिल्ली वल वो रवाना होए उत्थे रहिंदे होए 8 महीने बीत गए जदों 8 महीने बीत गए माइयां दे ते उन्हां सिखां दे हर वक्त सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन चेते आउंदे हर वेले बराग च रहिंदे उन्हां नूं याद करदे रहिंदे एक दिन ऐसा आया माता सुंदरी जी ते माता साहिब देवा जी ऐ सुख भवनां दे विच पए है उन्हां नूं सुपने दे विच ऐसा सीन दिसिया भी जिवें परिवार विछड़िया सरसा नदी तो छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी उस सरहंद पहुँचे
और बड़े साहबजाद्या नाल सतगुरु जी उत्थे बड़े साहबजाद्या ने शहीदियां पाईयां चमकौर दी गढ़ी विच। सतगुरु जी माछू बड़े पहुँचे जंगलां दे विच, उत्थों हुंदे होए फिर महाराज जी मुक्तसर वल गए। ये सारा सीन उन्हां माइयां नूं सुपने राही इउं दिसिया। हंजो करना बराग दे चासा माचो जदो याद आवे सरबंस दे दाने आतो दुखी बेके ते हिंद बैन ताई रच के छड गया सी राजधानी आतो लाए सबर सुकर दे बैठ नारे साढ़े पिछे दे के कुरबानी आ तू किमें भुलूगा दिल दरबार सिंगा तेरे वर्गे धर्म दे बानिया नू माइया नू खुआब बच्चिया रेण दे ऐस भगवान दा दुखड़े बंडाउंदा फिर हिंद बैण दे बली दो जहान दा नूरी सीने एडे बड़े काजा वाले दादे घर सुनाइया नू बिछड़ा पंथ दिस बाजा वाले दा सुपने च माइया नू माइया नू खुआब बच्चिया रेण दे ऐस भगवान दा दुखड़े बंडाउंदा फिर हिंद बैण दे बली दो जहान दा नूर सीने एडे बड़े काजा वाले दादे घर सुनाइया नू बिछड़ा पंथ दिस बाजा वाले दा सुपने च माइया नू इहो जे हनेर मच जानी दिनेंगे बिच सिर हंद दे जोरावर फत सिंह दोने चिणेंगे ज्यों दे बिच कंध दे प्यारा बोल मोदर आवाजा वाले दा किले सैन साइया नू बिछड़ा पंथ दिस बाजा वाले दा सुपने च माइया नू चमकौर बिच बड़िया दुलारिया नू हस हस वार गए मार दित्ती ताड़ी छड के जगारिया नू हो गड़ी तो बार गए लग गया पता ने राम राजा वाले दा बाई बादशाहिया नू बिछड़ा पंथ दिस बाजा वाले दा सुपने च माइया नू वड्डी परे मौज पौज राजतानिया वांगू रघुवीर दे माछीवाड़े पहुंचे पुत्रां दे दानिया जंगलां नू चीर दे ऐसा हाल होया सोने ताजा वाले दा दस के सचाइया नू बिछड़ा पंथ दिस बाजा वाले दा सुपने च माइया नू संगतां बराग विच पाउण वास्ते कोले ही रखण नू होर गुरु बिछड़े मिलाउण वास्ते तुर पे दखण नू वेख्या बरद ऐसा बाजा वाले दा दंदा बड़ाइया नू बिछड़ा पंथ दिस बाजा वाले दा सुपने च माइया नू फिर कित संगत सजाई बैठे है रौनक कमाला दी होर नवी दुनिया नचाई बैठे है अपने ख्यालां दी कोई सीण पिछले समाजा वाले दा दिंदा ना दिखाइया नू बिछड़ा पंथ दिस बाजा वाले दा सुपने च माइया नू दरबार सिंह दा हैरानी हो गई खुल गईयां चशमा प्रेम बिच दुनिया दीवानी हो गई मेरे गुरु दा सुमा कात नूर नाम दे जहाजा वाले दा दे गया जदाइया नू बिछड़ा पंथ दिस बाजा वाले दा सुपने च माइया नू सारी गुरसंगत बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। इस तरह माइया नू ओ सुपने दे विच सारा सीन जिमें सतगुरु जी खालसा नदी तो बिछड़े जिमें छोटे साहबजादे सरहंद विच शहीद होए माता गुजरी जी शहीद होए बड़े साहबजादे जिमें चमकौर दी गढ़ी विच शहीद होए वो सारा सीन माइया नू सुपने दे विच दिसिया। सो गुरसंगत जी सतगुरां दा जस बड़ा उच्चा ते सुच्चा है। सातों बोलदे कोलों
एक नहीं अनेक गलतियां हो गई हो गई साढ़े को बोलद को बेअंत भुला हो गई गुरु संगत माफ़ करो गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।